आज्ञा माने जुहार मुई निरंजन आपण माने देखुछन टेक समलपुर यूट्यूब चैनल आउट यूट्यूब वीडियो जदि आपण माने चैनल के नुआ आसीन चैनल के सब्सक्राइब करून वीडियो के लाइक करून वीडियो के शेयर करून आ वीडियो उपरे निजर भल भल कमेंट करून। तो चालून आज जेन जॉब अपडेट वीडियोटा अच्छे से स्टार्ट करमा जानमा आज जॉब अपडेट बाबद रे। तो देखून बलांगीर डिस्ट्रिक्ट जेना बलांगीर डिस्ट्रिक्ट .nic.in ऑफिशियल वेबसाइट रे रिक्वायरमेंट लगे नोटा बाहरी सारे जेना 23/11/2020 बाहरी से जेनटा कि आपन देख एडवर्टाइजमेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ वैकेंट पोस्ट कंट्रैक्चुअल इन पार्वतीगिरी बालानिकेतन पथरचेपा बलांगीर। तब देख पथरचेपा बालानिकेतन जेन पार्वतीगिरी बालानिकेतन अच्छे से रिक्वायरमेंट बाहरी से। तो मैं आज जानमा जे काना पोस्ट रही है पोस्ट मैंने के पोस्ट रही है एज लिमिट के क्वालिफिकेशन कण अच्छे सब मान सब ये वीडियो रे आपण माने जानबे। तो वीडियो के बिना स्किप करी करी लास्ट तक देखुन। तो चलो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आड जिमा और जानमा पोस्ट बाबद रे। तो मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन टा ऑलरेडी डाउनलोड कर सारेन जेनटा कि आपण मानक मुई देखे दूसरे देखुन इटा से ऑफिशियल नोटिफिकेशन टा जेना 23/11/2020 रिलीज है देखुन। इनको आई है द सेक्रेटरी पार्वतीगिरी बालानिकेतन पथरचेपा इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर्म द इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट्स टू फिलिंग अप टू फॉलोइंग वैकेंट। देखुन जेनटा कि सेक्रेटरी पार्वतीगिरी बालानिकेतन रु जेनटा नोटिफिकेशन आसी छे जे देखो इन टोटाल केतरा पोस्ट छे टोटाल 5टा पोस्ट छे काउंसलर पैरामेडिकल हाउस फादर एंड हाउस मदर हेल्पर एंड हाउस कीपर। तो देखुन काउंसलर रो क्वालिफिकेशन टा कने तो जदि काउनसिलर हबार अच्छे तो आपन को पोस्ट ग्रेजुएसन जेनटा कि आपन को सोशियोलॉजी किंबा साइकोलॉजी रो आपन को पोस्ट ग्रेजुएसन करबार अच्छे किंबा आपन को सोशल वर्क और सोशल साइंस रे आपन को तार संगे कंप्यूटर स्किल भी थिबार कथा। तो तार दरमा केते होचे देखुन 17,500 जेनटा कि गोटे पोस्ट अच्छे। तार पर अच्छे पैरामेडिकल जेनटा कि आपन को कंपाउंडर किंबा पारा फार्मासिस्ट तो आपन को जेनटा कि आपन को डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक थी कथ फार्मासीस्ट आपर थी कि होमिओपैथिक डिप्लोमा थी कथ। तो आपड़ दरमा के 9,000 टाँह देख मंथली पेमेंट 9,000 टाँह जेने गोटे पोस्ट अच्छे। तपर हाउस फादर एंड हाउस मदर जेने साइंस ग्रेजुएट तो आप जब साइंस ग्रेजुएसन कर साइंस कि आर्ट्स जब ग्रेजुएसन करी आपर होम सैंस कि साइकोलोजी कि सोसीोलोजी आ गए अप्सनाल सब्जेक्ट अच्छे तो आपड़ा अनलाइन करेंगे। तो देखो दरमा 11,000 अच्छे बहुत बढ़िया दरमा अच्छे जेनटा कि आपंकर हाउस फादर लगे गोटे आउ हाउस मदर लगे गोटे जेनटा जोड़े पोस्ट अच्छे। हेल्पर देख हेल्पर अंडर मेट्रिक तो आपड़ जब मेट्रिक पास भी कर मेट्रिक आर्ट भी पास कर तो आप पोस्ट लगे एप्लाय करेंगे जेनटा देख 6,000 टाँह दरमा है। तो हाउसकीपर लगे भी देख जेना अंडर मेट्रिक क्वाफिकेसन मारे जेना 6,000 टाँह दरमा अच्छे। तो आपको देख एज लिमिट कण अच्छे मिनिमम एज लिमिट अच्छे 21 बच्चर आउ मैक्सीम एज लिमिट अच्छे 45 बच्चर। तो आप सिलेक्शन के देख आपण को देखुन एटा ऑफलाइनली आपण ऑफलाइन अप्लाई करबे जेनटा कि आपण देखुन मेल भी करि पारबे मेल भी आपण को डॉक्यूमेंट्स माने पठि पारबे। इनु देखुन लिखा है जे द सिलेक्शन विल बी मेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन आफ्टर शॉर्ट लिस्टिंग बाय द सिलेक्टिंग कमिटी जेने आपण को सिलेक्शन कमिटी टे से माने सिलेक्ट करबे आउ जेनटा कि देखुन तबरे एप्लीकेशन ड्यूली फिल विथ सेल्फ अटेस्ट सर्टिफिकेट मार्कशीट अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स विथ बायोडाटा। तो आपन देन डॉक्यूमेंट्स माने देबे तार से बायोडाटा भी देबे जेनटा कि आपन को देखुन पर PGBN balangir@gmail.com आपन को मैं से मेल आईडी भी दे देमी आपन से नो निजर डॉक्यूमेंट्स माने से सब मेल करबे। तो देखुन तार पर आपन आउ काना रही से देखुन मैं कहि दउ छै तो ये थी आपंकर पोस्ट किन्ना के पोस्ट थी मुझे कहली। तो आप देख लास्ट डेट टू रिसीव एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू मेल आईडी ऑफ द CCI बाय पोस्ट देख बाय पोस्ट भी करेंगे जेना 10/10/2020 तक अच्छे। तो एज लिमिट कण अच्छे आपको कहली न पहला फास्ट एज लिमिट मिनिमम एज 21 बच्चर मैक्सीम एज 45 बच्चर कही है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखो आपको फास्ट मुझे कही सारीन आपर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कण है। तो मोड अफ सिलेक्शन भी आपको अलरेडी कही सारीन। तो आउ कण रही से देखू तो आपंकर जेन इलिजिबिलिटी कण अच्छे देखो आप गोटे इंडियन सिटी नहीं थार कथा आपन ओडिशार जेन जिलार होते भी आपन ऑनलाइन मैंने ये पोस्ट लगे आवेदन करें। तारपर आपंकर आउ कण रही से देख डॉक्यूमेंट्स तो आपंकर देख सेल्फ अटेस्ट फोटोकॉपी आप ग्रेजुएसन पोस्ट ग्रेजुएसन जेनटा डॉक्यूमेंट्स मैंने सब लगवा तार से आपंकर कलर फोटोटे लगवा
ତାପରେ ଦେଖନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଛି ସେଟା ଲାଗ୍ବା। ତାପରେ ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ ନନ୍ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଏନି କ୍ରିମିନାଲ, ଆପଣ କେନ୍ସି କ୍ରିମିନାଲ କ୍ରାଇମ୍ରେ ଏକ୍ଟିଭ ମାନେ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ବୋଲି ସେଥିରେ ହେଲେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଲାଗ୍ବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ ଯେନ୍ ରେମ୍ୟୁନେରେସନ୍ ସେଟା ଦେଖନ୍ କହିଲି ନା ଆପଣଙ୍କୁ, ତାପରେ କେମିତି ଅନଲାଇନ୍ କରିପାରିବେ ଦେଖନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ ବାଇ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ବି ପଠେଇ ପାରିବେ ଦେଖନ୍। ସେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ମଟା, ଯେନ୍ ଫର୍ମଟାକି ଆପଣମାନେ ମୁଇଁ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି, ସେ ଲିଙ୍କରେ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେବେ। ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏଡ଼୍ ଫର୍ ଦେଖନ୍, କେନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଲାଗି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍, ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ, ଆପଣଙ୍କର ବାପାର ନାଁ, ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ଼୍ରେସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ଼୍ରେସ୍ ଆପଣ ଭରିବେ, ତା ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ନେସନାଲିଟି କାଣା ଅଛେ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଥ କାଣା ଅଛେ, ଏଇଟା ମାନେ ଆପଣ ଟୋଟାଲ ଭରିବେ। ତାପରେ ଏଇଟାକି ଦେଖୁନ୍, ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଫଟୋକପି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏଇଟା ମାନେ ଆପଣ ଆଟାଚ୍ କରିକରି, ଯେନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ମୁଁ କହିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ, ଯେନ୍ ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି କହିଲି ଦେଖୁନ୍, pgbnbalangir@gmail.com ଆପଣ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବେ କିମ୍ବା ବାଇ ପୋଷ୍ଟ ସେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ଲାଗି ଆବେଦନ କରୁନ୍। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି କିଛି ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟେକ୍ ସମ୍ବଲପୁରରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏତେବେଳେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନାଇଁ କରିବାର ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍, ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ କରୁନ୍, ଭିଡ଼ିଓକେ ସେୟାର କରୁନ୍, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ନିଜର ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ କରୁନ୍। ତ ରହୁଛେ, ଫେର୍ କିଛି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ନେଇକରି ଆସମି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟେକ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ।